लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। कमरे में देखा। अदालत पुलिस को ये हुक्म देती है कि डॉक्टर मुमताज के खिलाफ कार्रवाई करे। हमें कुछ ऐसा करना होगा जिसे ताहब बाहर ना आ सके। अबीर ने कहा है कि रिदा के गायब होने में डॉक्टर मुमताज का हाथ है। What? मेरे दिल ने गवाही दी और मैंने ताहा की मदद की। अगर मेरे साथ बुरा होना होगा तो वो हो जाएगा। ठीक कर दोगे? हाँ मैं उन्हें ठीक कर दूंगा। बहुत बिगड़ गए वो, और उनकी बहू है ना, वो भी बहुत बिगड़ गई है। वो ताहा को रिहा करवाना चाहती है। शराफत साहब, देख रहा हूं कि इस केस में आप जरूरत से ज्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं, लेकिन ये मत भूलिए कि आप सिर्फ एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं। रिजवी साहब, मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि मैं एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर, लेकिन मैं एक इंसान भी हूं। मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझ पाया। रिजवी साहब, ताहा का बाप अपने आप को बहुत बड़ा 30 मार्का समझता है। वो हर किसी को अपने पैर की जूती समझता है। एक केस के सिलसिले में उसने मेरी भी इंसल्ट की थी, अखबार वालों को मेरे खिलाफ भड़काया, उन्हें रुपए देकर मेरे खिलाफ गलत बातें छपवाई, लोगों ने मुझे जलील किया। वो बात मैं आज तक नहीं भूला हूं। तो आपके लिए केस पर्सनल मैटर बन गया है, यानी कि बदला लेने का मौका मिल गया है। बिल्कुल, लेकिन आपको डॉक्टर मुमताज का पता तो नहीं मिला होगा? जहां उनका बच्चा पढ़ता है हमने वहां फोन करके पता किया, तो मालूम हुआ कि डॉक्टर मुमताज अपने बच्चे को वहां से ले गए हैं। खैर, उनके गांव का पता बहुत जल्द लग जाएगा। आप क्यों खामखा परेशान हो रहे हैं रिजवी साहब? अरे अदालत में कह देना कि आपको पता नहीं मिला, फिर तो ताहा को सजा यकीनन हो जाएगी। शराफत साहब, खाकी वर्दी में और काले कोट में यही तो फर्क है। हम जुर्म को मिटाते हैं और आप जुर्म को बढ़ावा देते हैं। ये क्या कह रहे हैं आप? सच कह रहा हूं। हम गुनाहगारों को पकड़कर अदालत तक पहुंचाते हैं और आप लोग हालात को मद्देनजर रखते हुए उन्हें रिहा करवाते हैं और बेगुनाहों को सजा दिलाते हैं। ऐसी बात नहीं है इंस्पेक्टर रिजवी, पांचों उंगलियां एक जैसी नहीं होती हैं, खाते वक्त एक जैसी हो जाती है। रिजवी साहब, मैंने आज तक किसी बेगुनाह को सजा नहीं दिलवाई और ना ही किसी गुनाहगार को रिहा करवाया है, लेकिन ताहा का केस ही अलग है। मैं अली यावर जंग से अपना बदला लेना चाहता हूं। मैं इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूं, अगर ताहा मुजरिम है तो उसे सजा जरूर मिलेगी, अगर वो बेगुनाह है तो उसे रिहा कर दिया जाएगा। आपको क्या लगता है कि ताहा मुजरिम है या नहीं? हालात तो यही बताते हैं कि वो मुजरिम है। भाभी जान, अगर आपको ये बात पहले पता थी तो आपने पहले ही कदम क्यों नहीं उठाया? मैंने कभी इस पहलू पर सोचा ही नहीं था। यकायक ये बात मेरे दिमाग में आ गई और मैंने कोर्ट में सच्चाई बयान करने का फैसला कर लिया।
बड़े सही वक्त पर आपने ये फैसला कर लिया, वरना पता नहीं क्या होता। सच्चाई कभी नहीं हारती तहा, और सच्चाई तुम्हारे साथ थी, इसलिए तो अल्लाह ने मेरे दिमाग में ये बात डाली और मैं कोर्ट पहुंच गई। भाभी जान, न जाने बड़े अब्बू अपने आप को क्या समझते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़ी बड़ी पहचान बताते हैं, सारी बातें सारी पहचान हवा हो गई। बस भाभी जान, आपने ही मेरा साथ दिया। मैं हमेशा तुम्हारे साथ होता हा। इसी बात का तो अफसोस है भाभी जान, कि आप हमेशा मेरा साथ देती हैं, और जब मेरा वक्त आया तो मैं आपका साथ नहीं दे पाया। अम्मी और बाजी ने आपको घर से निकाल दिया और मैं कुछ नहीं कर पाया। भाभी जान, हालात ही कुछ ऐसे बन गए थे, उन दोनों ने मेरे खिलाफ अब्बू को भड़का दिया था, और कोई भी औलाद अपनी अम्मी अपने अब्बू के सामने जबान नहीं चलाती, वरना वो ना फरमान औलाद कहलाती है। तुम्हारे पेशानी पर अगर दाग लग जाता तो मैं कभी भी अपने आप को माफ नहीं कर पाती। लेकिन भाभी जान, गुजरी बातों को भूल जाओ और अल्लाह से दुआ करो कि तुम जल्द से जल्द रिहा हो जाओ। बस मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप और क्या क्या जानते हैं अहमद मियां? सब कुछ। मैंने इस घर की खुशियों को बर्बाद होते देखा है चौधरी साहब, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले सब कुछ अच्छा था इस घर में, फिर धीरे धीरे इस घर से सुकून गायब होने लगा। परेशानियों ने इस घर में डेरा डाल लिया, फिर आए दिन झगड़े होने लगे। हम उनका नामो निशान मिट गया इस घर से। हर फर्द के चेहरे मुझाए मुझाए से रहने लगे। ऐसे लगता था जैसे किसी ने इस घर की हंसी छीन ली हो। बस यही वजह है जिसके कारण मैंने वसीयत का बहुत ख्याल रखा, और फिर अली साहब भी हर आए दिन अपने वसीयत में कुछ न कुछ रद्दो बदल करने के लिए कह दिया करते थे। मैं तो आजीज आ चुका था। और तो और, बस अहमद मियां बस, हालात को समझने के लिए इतनी बातें काफी। आप इतना बता दीजिए कि इन सब की वजह क्या थी? सिर्फ एक ही वजह जनाब, इस घर में एक फितना आया और उसने पूरे घर में बर्बादी फैला दी। उस फितना का नाम? अबीर, हारिस साहब की बेवा, जो जबरदस्ती इस घर में घुस आई। उसकी हरकतों ने अली साहब की आंखें तो खोल दी, लेकिन ताहा साहब अब तक धोखे में है। यह सब अली की ढील का नतीजा है। अब मैं आ गया, अब ऐसा नहीं होगा। ताहा को अगर उस गैर औरत के ऊपर भरोसा है तो उसी के सहारे जिंदगी गुजारे, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। लेकिन मैं कोई नाजायज बात बर्दाश्त नहीं करूंगा। आज मुझे अपनी सोच पर खुशी महसूस हो रही है कि तहा के लिए जो मैंने फैसला लिया ठीक किया। ये आप क्या कह रही हैं अम्मी, मुझे आपकी बात पे यकीन नहीं आ रहा। बेटा, झूठ कहने से क्या फायदा? इतने दिनों से मैं अबीर को गलत साबित करने की कोशिश यूं ही नहीं कर रही थी, मगर मेरी हर कोशिश को उसने नाकाम कर दिया। क्या इसी से साबित नहीं होता कि वो कितनी पहुंची हुई है, कितना बड़ा मंसूबा बनाकर वो हमारे घर में दाखिल हुई थी, और कितनी कोशिशों के बाद हम उसे इस घर से बाहर निकाल पाए। इसीलिए वो तुम्हारी हमदर्दी हासिल करके तुम्हें हमसे छीनना चाहती है। लेकिन अम्मी, वो ऐसा क्यों करेंगे? हमारी जायदाद हासिल करने के लिए और हमें बेइज्जत करने के लिए। अगर अब भी तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं आता तो एक बार अबीर का जमीर झिनझोड़ कर देखो, सच्चाई उगल देगी। लेकिन अम्मी, ताहा, अबीर के मामले में आज तक तुमने मेरा कहा नहीं माना। एक बार मेरा कहा मान कर देखो। मैं तुम्हारी माँ हूं, और एक माँ अपनी औलाद को कभी धोखा नहीं दे सकती। ठीक है अम्मी, लेकिन एक बात याद रखिएगा, अगर आपकी बात गलत साबित हुई तो माँ बेटे का रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। इंस्पेक्टर साहब, मैं तहा से मिलना चाहती हूँ। हवलदार जी सर, इन्हें तहा साहब से मिलवा दो।
मुझे पता चला तुम मुझसे मिलना चाहते हो, क्या बात है? भाभी जान, अपने वालदान से बढ़कर अगर मैं किसी को मानता हूं तो सिर्फ आप है। अपने आप से ज्यादा भरोसा है मुझे आप पर, और मुझे पूरा यकीन है कि ना ही आप मुझसे झूठ बोलेंगी और ना ही कोई बात छुपाएंगी। आज तुम बहुत अलग मुंह में बात कर रहे हो, सब खैरियत तो है ना? आप हारिस भाईजान की बीवी ही है ना? एक मुसलमान अल्लाह से बढ़कर और किसी को नहीं मानता। मैं अल्लाह की कसम खाकर कहती हूँ, मैं हारिस की बेवा हूँ। मैंने उनसे शादी की थी और बिलाल मेरे और हारिस के प्यार की निशानी है। अब तो यकीन आया? यकीन आ गया भाभी जान। बस एक बात और जानना चाहता हूँ। वो कौन सी बात? क्या आप गलत नीयत से हमारे घर में दाखिल हुई? नहीं तो, बिल्कुल नहीं। इस बात के लिए आप अल्लाह की कसम क्यों नहीं खा रही भाभी जान? आपकी जबान क्यों पथरा गई भाभी जान? आप कुछ बोलती कि नहीं? खाई अल्लाह की कसम, क्या आप हमारे घर में गलत नीयत से नहीं आई है? बोलिए भाभी जान, बोलिए। रुकिए भाभी जान, मुझे आपका जवाब मिल गया है। आज तक आप मुझसे झूठा प्यार जताती आई हैं और आज भी आप मुझसे झूठी हमदर्दी जता रही हैं। आप मुझे सिर्फ इसलिए रिहा करवाना चाह रही हैं ताकि मैं अपने घर वालों को गलत समझूं और आपको सही। बोलिए भाभी जान, क्या यह गलत है? डॉक्टर मुमताज छुट्टी पे गई हैं, पर हमने पंचगनी के स्कूल में फोन किया जहां उनका लड़का पढ़ता है। तो वहां से पता चला कि वो अपने बच्चे को साथ लेके गई हैं। हम उनके गांव का पता ढूंढ रहे हैं जिसके लिए हमें कुछ दिनों की मोहलत चाहिए। इसकी जरूरत नहीं जज साहब, मैं अदालत के सामने आज सच्चाई बयां करना चाहता हूं। कैसी सच्चाई? जज साहब, मैंने अदालत का बहुत वक्त जाया किया है और सच्चाई यह है कि मैं मुजरिम हूं। ऑर्डर ऑर्डर, आप क्या कह रहे हैं जानते हैं? जी हाँ जज साहब, मैं अपने पूरे होश हवास में कह रहा हूं कि मैं मुजरिम हूं। रिजा ने मेरी वजह से खुदकुशी करने की कोशिश की और मैंने रिजा को हॉस्पिटल से गायब किया। इस वक्त रिजा कहां है? मैं नहीं बताऊंगा। जज साहब, आप इसकी बातों पर भरोसा मत कीजिए, ये किसी वजह से ऐसा कह रहा है। मेरा बच्चा गलत नहीं है, जरूर इसे किसी ने डराया धमकाया है। कोई तो बात होगी जिसकी वजह से ये ऐसा कह रहा है। जज साहब, मेरी आपसे दरखास्त है कि आप इसकी बातों पर भरोसा ना कीजिए। खुदा के लिए आप कोई गलत फैसला ना करें। अदालत हुक्म देती है कि इस बात की पूरी तफ्तीश की जाए, तब तक के लिए अदालत मुलतवी की जाती है। आज हमारे लिए बड़ी खुशी का दिन है जुबी, जानती हो हमारी सारी कोशिशें कामयाब हो गई, वो भी बिना कुछ किए हुए। आज ताहा ने इकबाले जुर्म किया है, अब उसे सजा से कोई नहीं बचा सकता, कोई भी नहीं। पर अब उनके समझ में नहीं आ रहा है कि सडनली ताहा ने जुर्म कबूल क्यों कर लिया, जबकि वो रिहा हो सकता था।
वो क्या है ना अल्बर्ट, जब किस्मत चमकती है ना तो मिट्टी भी सोना बन जाती है। समझ लो हमारी किस्मत भी चमक गई। तुमने कभी सोचा था कि तुम इस केस में इस तरह से उलझ जाओगी? क्या फायदा हुआ? तुमने कोर्ट में जाकर ताहा के हक में बयान दिया और क्या हुआ? उसने एक बार जुर्म करके तुम्हारे सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। अब लोग तुम्हें बेवकूफ समझेंगे। अगर उस दिन तुमने मेरी बात मान ली होती तो आज ये दिन देखना ना पड़ता। मैं जानती हूं ताहा ने ऐसा क्यों किया। वो मुझे तकलीफ पहुंचाना चाहता था, मेरी हमदर्दी हासिल नहीं करना चाहता। मेरे बयान के जरिए वो रिहा हो जाएगा तो वो मेरे एहसान तले दब जाएगा और मुझसे नजरें मिलाकर बात नहीं कर पाएगा। इसीलिए उसने ये इल्जाम अपने सर पे ले लिया कि रिदा ने उसी की वजह से खुदकुशी करने की कोशिश की और रिदा को उसी ने गायब कर दिया। मुझे लगता है किसी ने उसके कान भरे हैं, मेरे खिलाफ जहर उगला है। सांप का बच्चा सांप ही होता है, मौका देखते ही जहर उगलता है। यहां भी तो यही हुआ, उगल दिया उसने जहर। देखो अभी अब भी कहता हूं वक्त है, संभल जाओ और लोगों पर आंख बंद करके यकीन करना भूल जाओ, वरना एक दिन बहुत बड़ा धोखा मिलेगा। तो आप जवाब तलब करने हैं कि मैंने ऐसा क्यों किया? हम दोनों के बीच इतनी बातें हो चुकी हैं, उसके बावजूद आपको जवाब चाहिए? तुमने जो बातें कही मैं चाहती तो उसी वक्त उसका जवाब दे सकती थी, लेकिन वो सच जिसे सुनकर रिश्तों में दरार पड़ जाए, दिलों में गलतफहमियां पड़ जाए, वो सच छुपे रहना ही बेहतर है। ऐसा कौन सा सच है जिसको छुपाने के लिए आपको फरेबी बनना पड़ा? हमारे घर में गलत नीयत से दाखिल होना पड़ा। ऐसी बातें वक्त आने पर की जाए तो ही उसका असर बाकी रहता है। मैं तुमसे सिर्फ यही जानना चाहती हूँ कि तुमने सारी इल्जाम अपने सर पे क्यों लिया? तुम जानते हो तुम्हें इसकी सजा क्या मिल सकती है? इससे बड़ी सजा क्या हो सकती है कि जिस पर मैंने भरोसा किया उसी ने मेरे भरोसे को तोड़ दिया। भाभी जान आप झूठी हैं। ये तो पैदाइशी झूठी है। ये पहुंची यहां झूठ के सहारे। हारिस से इसका निकाह हुआ ये झूठ है। बिलाल हारिस का खून है ये भी झूठ है। और पूना की प्रॉपर्टी हारिस ने इसके नाम की ये भी झूठ है। तो फिर सच क्या है? वो मंसूबा जो आपने मेरे खिलाफ बनाया या फिर आपका गुजरा हुआ कल? क्या हुआ अम्मी, आपके होश क्यों उड़ गए? बहुत सी बातें सीने में दफन है, दफन ही रहने दे तो अच्छा होगा, वरना लोग ये जान जाएंगे कि इंसान मफाद के लिए कितना गिर सकता है। ऐसा क्यों कहा? खिसियानी बिल्ली खंबा ही तो नोचेगी। हम अपना बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं। अली मियां ने तो जीडी की रफ्तार से तरक्की की है, हम वक्त की रफ्तार के साथ तरक्की करना चाहते हैं।
हमारा वहां का बिजनेस तो सेटल है, हमारी अब यहां ज्यादा जरूरत है, इसलिए हम चाहते हैं कि आप यहां पर तशरीफ ले आए और वहां की जिम्मेदारी सिकंदर मियां को सौंप दें। हम आपके मुंतजर हैं। खुदा हाफिज। जी कहिए, हमसे कोई काम? जी कहिए। लखनऊ में मंतशा की एक सहेली रहती है, उसकी शादी है, दावतनामा आया है, अना और मंतशा दोनों जाना चाहती हैं। कब है शादी? अगले हफ्ते। और वो जाना कब चाहती हैं? बस आपकी इजाजत मिलते ही रवाना हो जाएंगी। हमें खुशी हुई कि उन्हें इस बात का एहसास है कि उनके अब्बू नहीं है तो क्या हुआ। बड़े अब्बू तो हैं, उनसे कहिए कि वो मुझसे आकर मिल लें। जी। चला है कि तुम दोनों अपनी सहेली की शादी अटेंड करने के लिए लखनऊ जा रही। जी बड़े अबू। कैसे जा रही हो? मैं समझी नहीं। मेरा मतलब है कि फ्लाइट से जा रही हो या ट्रेन से जा रही हो? जी ट्रेन से जा रहे हैं। चौधरी हिकमत यार जंग की बच्चियां हो और ट्रेन से सफर करो, ये हमारे लिए तोहीन है। बड़े अबू, मेरी सहेली ने एसी फर्स्ट क्लास की टिकट्स भेजी है, इसलिए तुम ट्रेन से सफर करोगी? हरगिज नहीं। तुम दोनों फ्लाइट से जाओगी। बड़े अबू, मुझे फ्लाइट में डर लगता है। क्या कहा? तुम्हें फ्लाइट से सफर करने में डर लगता है? जी। की बच्चियां फ्लाइट से डर रही हैं। अरे हमारा खानदान तो वो खानदान है जो शेर चीतों से नहीं डरता। हम मौत अपनी जेब में लेकर फिरते हैं और तुम लोग मौत से डरती हो। तुम दोनों फ्लाइट से जाओगे। मैं ऑफिस फोन कर देता हूं, तुम्हारे टिकटों का इंतजाम हो जाएगा। मम्मी, अना और बाजी अकेले जा रही हैं, उनके साथ कोई नहीं जा रहा? हाँ, ट्रेन में जाती तो पूरा ग्रुप साथ में होता, लेकिन तुम्हारे बड़े बू ने उनकी फ्लाइट की टिकट्स बुक करा दी, अब तो उन्हें अकेले ही जाना पड़ेगा।
लेकिन अम्मी ताज्जुब इस बात का है कि बड़े अब्बू ने उन दोनों को जाने की इजाजत दे दी। हाँ, इसी बात का ताज्जुब मुझे भी है। उनसे मिलने के लिए दिल बेचैन है, कम से कम जाने से पहले वो मिल तो ले। ताहा, तुम तो जानते ही हो कितनी मुश्किल से तुम्हारे बड़े अब्बू ने मुझे तुमसे मिलने की इजाजत दी है। उन्होंने तो मुझे कोर्ट में भी आने से मना कर दिया था, बड़ी मुश्किल से उन्हें मनाया। तुम्हें यकीन है कि वो मंतशा और अना को यहाँ आने देंगे? पता नहीं अब मेरे साथ और क्या। और खबरदार जो ऐसा कहा तो, अल्लाह सब ठीक करेगा, तुम बहुत जल्द रिहा हो जाओगे। लेकिन तुम्हारे दिमाग में जो बेवकूफी है पहले उसे बाहर निकाल दो, फिर सब ठीक हो जाएगा। देखना अना और मंतशा के वापस लौटने से पहले ही तुम रिहा हो जाओगे। मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं और माँ बाप की दुआएं कभी जाया नहीं जाती। अच्छा चलती हूँ, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। मंतशा, अना बेवकूफ है, उसका ख्याल रखना और जाते ही मुझे फोन कर देना। अम्मी, ये तो कॉमन सेंस की बात है, फोन तो हम कर ही देंगे। वैसे आप अना को जितना बेवकूफ समझ रही हैं ना, ये उतनी बेवकूफ है नहीं, ये दुनिया को बेवकूफ बना सकती है। बाजी, देखो तुम दोनों शादी में नहीं बल्कि नदीम के पास जा रही हो, ये बात हम तीनों के सिवा और किसी को मालूम नहीं है। मैंने ताहा को भी ये बात नहीं बताई, और अगर तुम्हारे बड़े अब्बू को ये बात पता चल गई तो आफत खड़ी कर देंगे। अम्मी, कैसे पता चलेगा? हम वहां से फोन करके कह देंगे कि जब तक अब्बू वापस नहीं आते हम वहीं पर रहेंगे, ठीक है ना? लेकिन अम्मी, हमें तो दिल्ली जाना है और बड़े अब्बू ने हमारी टिकट लखनऊ की बुक की है। इसीलिए मैं तुम्हें बेवकूफ कहती हूँ। अरे तुम वहां से दिल्ली चली जाना, इसमें इतना सोचने वाली क्या बात है? अम्मी, आपने हमारा साथ देकर ये बात साबित कर दी कि बच्चों की प्रॉब्लम सिर्फ माँ ही समझ सकती है। अच्छा, बातें मत बनाओ, जल्दी करो, देर हो रही है। जी जी। सोचकर रोना आ रहा है कि हमारे जाने के बाद खुदा ना खास्ता बड़े अब्बू को अगर ये बात पता चली तो वो आपके साथ क्या सलूक करेंगे। देखो बच्चों, मैंने अपनी जिंदगी तो जी ली और इस जिंदगी में मैंने खुशियों का भी सामना कर लिया और गमों का भी, और अब तो मैं तुम्हारी खुशियों के लिए जी रही हूँ। तुम्हारी एक खुशी के लिए मैं अपनी उम्र भर की खुशियां कुर्बान कर सकती हूँ। देखो, तुम दोनों ने मुझे भी रुला दिया शरीर कहीं की। वाली साहब की दोनों बेटियां शादी अटेंड करने गई हैं। जी, अपन को तो लगता है सर कोई तो गड़बड़ है। अच्छा है, हम तो चाहते हैं कि घर में हमेशा गड़बड़ रहे। भाई वहां गड़बड़ रहेगी तभी तो हम कामयाब होंगे। एक हारेगा तभी तो दूसरे की जीत होगी। अब धीरे धीरे वो घर टूट रहा है। बट सर, पुलिस अभी तक डॉक्टर मुमताज को तलाश कर रही है। पुलिस की तलाश खत्म हो गया तो सोचो ताहा का केस पन खत्म। फिक्र मत करो अल्बर्ट, ना पुलिस की तलाश कभी खत्म होगी और ना ताहा का केस खत्म होगा। तो सिर्फ अली यावर जंग के खानदान का नामो निशान। पर बाबा, हमें अल्बर्ट की बात पे गौर करना चाहिए। सुनाली, डॉक्टर मुमताज को मैंने अच्छी तरह समझा दिया था, अगर जिंदा रहना है तो अपने आप को दुनिया की नजरों से ओझल कर लो। वो पुलिस के हाथ नहीं आएगी, और अगर आएगी तो जिंदा नहीं बचेगी।
डॉक्टर रिजवी फ्रॉम मुंबई। आपको मेरे साथ मुंबई चलना होगा। डॉक्टर मुमताज, दरवाजा खोलिए। आप किसी तरह बच्चे भाग नहीं सकती। आपकी सब कोशिशें बेकार होगी। हम जानते हैं कि आप मुजरिम नहीं हैं। आपने किसी मजबूरी या किसी दबाव में आके ये काम किया है। आप दरवाजा खोलिए। डॉक्टर मुमताज, दरवाजा खोलिए। दरवाजा खोलिए डॉक्टर मुमताज। डॉक्टर मुमताज, दरवाजा खोलिए। डॉक्टर साहिबा, आप एक समझदार औरत हैं और यह भी समझती होंगी कि पुलिस का रवैया वक्त पड़ने पर फूल की तरह नाजुक और फौलाद की तरह सख्त भी होता है। अब आप बताइए कि आपको कौन सा रवैया पसंद है, नाजुक या सख्त? मैं सब कुछ बताने के लिए तैयार हूं। अब बाहर खड़े होकर किस नए मंसूबे का जाल बुन रही हो, इस ड्रामे में जो नया मोड़ लेकर आई हो, उसका अंजाम देखने के लिए अंदर नहीं चलोगे? जब आपने वाक्यात को ड्रामे का नाम दे ही दिया है, तो आप तो ये भी जानते होंगे कि इस ड्रामे की मैं किरदार हूँ। तमाशाई आप है, जाइए तमाशा देखिए। कुछ ड्रामे ऐसे होते हैं जिसमें लोगों के बीच बैठ कर तमाशा देखने वाला तमाशाही भी किरदार होता है, पर यह बात अभी तुम्हारी समझ में नहीं आएगी। यह बात तुम्हें केस खत्म होने के बाद समझ में आएगी। केस खत्म हो गया मिस्टर चौधरी, आप हार गए। तहा के केस में कोर्ट का फैसला कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि तहा के लिए मैंने जो किया है, अब उसके बदले तहा मेरे एहसानों में कैद होकर जिंदगी भर मेरे कब्जे में रहेगा। तो तुम इस इंतजार में यहाँ खड़ी हो कि तुम्हारा कैदी कब कानून की कैद से छूट कर आए और तुम अपनी कैद काटने के लिए उसे लेकर चली जाओ। तहा का मेरे साथ जाना आपके लिए कैद होगा, लेकिन तहा के लिए उसकी पसंद और खुशी होगी। इसी में तुम्हारी खुशी छुपी है। तुमने अली के घर वालों को घर से निकालने का जो चैलेंज दिया था, उसकी शुरुआत तुमने तहा से की है, वो भी इस खूबसूरत अंदाज में। अगर शक्कर से जहर का काम हो जाए तो फिर इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? वैसे मुझे आपकी बेबसी पर बहुत अफसोस हो रहा है। आप सब कुछ समझकर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। मेरी खामोशी को बेबसी समझने वाली बेकूफ लड़की, तहा के छूटने के बाद तुझे तेरा जवाब मिल जाएगा। तुम्हें सदमा ना पहुंचे इसलिए इतना बता देता हूं, तुमने जो कुछ किया उसका कोई फायदा नहीं होगा। तहा छूटने के बाद मेरे साथ जाएगा। वैसे दिल को बहलाने के लिए ये ख्याल बुरा नहीं है, लेकिन आप अच्छी तरह से जानते हैं तहा मेरे साथ चलेगा। कौन अपना दिल बहला रहा है? अब इसका फैसला तहा के छूटने के बाद ही पता चलेगा।
अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। जज साहब, मैं उन लोगों के बारे में कुछ नहीं जानती हूँ। मैं तो हॉस्पिटल जाने के लिए घर से निकली तो किसी ने मेरे सर पर पिस्तौल रख दिया। कौन हो तुम और ये क्या बदतमीजी है? क्या चाहते हो मुझसे? अब कोई सवाल नहीं, जैसा आप खुद कहता है वैसे ही करो, गाड़ी चलाओ वरना। तुम गाड़ी से नीचे उतरते हो या नहीं? नहीं, अब तुम मेरे कब्जे में हो। अब तुम सिर्फ अपुन के हुक्म की तामील करोगी और होशियारी दिखाने की कोशिश मत करना, नहीं तो जान हाथ से गवा बैठोगी। चलो गाड़ी चलाओ, चलो। आओ डॉक्टर मुमताज, आओ। पिस्तौल बता दो भाई, ये इस वक्त मेहमान है हमारे। आप कौन है और मुझसे क्या चाहते हैं? मैं कौन हूँ ये जानना तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है। हाँ, मैं क्या चाहता हूँ ये जरूर जान लो। अली यावर और मुश्तबा, इन दोनों के तुम फैमिली डॉक्टर हो, बोलो हो या नहीं? जी। जिस हॉस्पिटल में तुम कंसल्टेंसी करती हो वहाँ रिदा एडमिटेड है। हम रिदा की मौत चाहते हैं। लेकिन क्यों? इस बात से तुम्हें कोई मतलब नहीं। रिदा के आसपास पुलिस का सख्त पहरा है, हम उसे नहीं मार सकते। तो मैं इसमें आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? हमारे लिए ये काम तुम करोगी, तुम रिदा को मौत की नींद सुलाओगी। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। ना चाहते हुए तुम्हें ये काम तो करना ही होगा। आप रिदा को मारना क्यों चाहते हैं? रिदा और ताहा दोनों हमारे दुश्मन की औलादे हैं। हम एक तीर से दो निशाने लगाना चाहते हैं। रिदा के मरने पर ताहा को सजा होगी और अगर वो रिहा हो भी गया तो बदनाम तो हो ही जाएगा। मैं इस बात का फैसला जल्दबाजी में नहीं करना चाहती हूँ। मैं सोच समझ कर जवाब दूंगी। हम ज्यादा देर तक इंतजार नहीं कर सकते, हमें तुम्हारा जवाब सिर्फ हाँ में चाहिए। मुझे थोड़ा वक्त दीजिए। ठीक है, छोड़ा है ना। एक बात याद रखना, तुम्हें जाने दिया जा रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें छोड़ दिया गया है, समझी? तुम्हें हमारा काम करना ही होगा। डॉक्टर मुमताज की बातों को सुनने के बाद ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि रिदा के साथ जो कुछ भी हुआ उसके पीछे किसी शातिर मुजरिम का हाथ है। ये एक साजिश है और जिसका शिकार ताहा को बनाया गया, इसलिए यह साबित हो चुका है कि मुलजिम ताहा बेगुनाह है, इसे बाइज्जत बरी किया जाता है। और पुलिस को हुक्म दिया जाता है कि डॉक्टर मुमताज की मदद से असली मुजरिम तक पहुंचने की कोशिश करें। तब तक के लिए अदालत की कार्रवाई मुलतवी की जाती है। आजादी मुबारक हो मेरे बच्चे। मुझसे ज्यादा आपको मुबारक हो, आपने मुझे रिहा करवाने की काफी कोशिश की। आइए मिस्टर ताप, कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है उसके बाद आप जा सकते हैं। बड़े अब्बू आप चलिए, मैं आता हूँ। ठीक है।